Hello and welcome to my review of Big Boss Marathi, day 65-66. कल जो टास्क शुरू हुआ, हुकुमशाही, घर का खलनायक नंद किशोर, जो हुकुमशाह बनके अपने तानाशाही का प्रदर्शन कर रहा है घर पे. इट यू नो वी स्पोक अ लॉट एस्टरडे और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है. टास्क शुरू जब हुआ था तो बिग बॉस ने नंद किशोर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो हमें नहीं बताया गया कि व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, बट सिर्फ लास्ट पोर्शन ये बताया था कि इफ़ ही फॉलोज ऑल दैट, इफ ही इज़ एबल टू डू ऑल दैट, देन ही विल बी सेफ फ्रॉम नॉमिनेशन एंड एविक्शन नेक्स्ट वीक. तो अब जो कुछ नंद किशोर कर रहा है, क्या वो बिग बॉस के कहने पे कर रहा है या नहीं, ये हमें नहीं पता. बट ओके, माय ओपिनियन, इवन इफ बिग बॉस वर टू इंस्ट्रक्ट मी टू डू समथिंग लाइक दिस, वुड आई डू? नो, नेवर. टास्क हो या जो भी हो, टास्क जी जान के टास्क खेलो, बट ऐसे मत करो, ऐसे कुछ भी मत करो जिससे यू विल लुक बैड, ईविल, इवन इन द आउटसाइड वर्ल्ड. ऐसे कुछ मत करो जिससे किसी और को ठेस पहुँचे, उनके डिग्निटी को ठेस पहुँचे, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुँचे. एंड इफ दैट मीन्स वन हैज टू गेट एविक्टेड, सो बी इट, यू विल विन रिस्पेक्ट. बट यहाँ आई गेस नंद किशोर हैज बिकम द डेविल ऑफ महाराष्ट्र. दैट्स वॉट आई वुड से. ही हैज स्टूप टू सच लेवल्स, दैट्स नथिंग कैन सेव हिम फ्रॉम हियर. अब ये टास्क होने के बाद भले वो कितने भी माफ़ी मांगे या कितने भी जस्टिफाई करे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था. दैट्स वॉट आई फील टास्क के लिए भी. लेट्स कम बैक टू टूडेज एपिसोड. उसकी वही एकदम बकवासी तानाशाही चल रही है. एंड ही आस्क एवरीवन कि यू नो, जैसे यू नो पूछते हैं ना कोई इसी को फांसी पे चढ़ाने के पहले, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? दैट काइंड ही वाज आस्किंग. ओके, किसको क्या करना है, इफ़ यू ऑल हैव सम विश दैट यू हैव नॉट फुलफिल्ड. आज एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मेघा एंड सई, दे वर ब्रिलियंट, बहुत अच्छा कर रहे थे कल. तो मैं वो दे वर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, बट दे न्यू कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, दे न्यू वेयर टू ओपन देयर माउथ एंड ऑब्जेक्ट. तो वो एक बहुत अच्छा था दोनों की तरफ से. सैल्यूट टू मेघा एंड सई. बट अगेन वील कम बैक टू द अदर्स. तो मेघ, आई लव्ड मेघा. आई मीन इतने, शी इज़ फीलिंग बैड, शी इज़ एंग्री, शी इज़ हर्ट, शी इज़ ह्यूमिलिएटेड, लेकिन उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, माइंड ब्लोइंग. तो जब ये पूछा गया कि तुम्हारा क्या विश है, तो पहले वो बोले कि मेरे को स्काई ड्राइविंग, बंजी जंपिंग करना है, स्काई ड्राइविंग करना है. तो ऑब्वियसली हुकुमशाह बोलते हैं कि इधर जो फैसिलिटी है उसी से बताओ, उसमें से बताओ कि क्या करना है. एंड देन शी सेज कि मेरे को हमेशा से ख्वाहिश है कि मैं किसी शहनशाह के तख्ते पर जाके बैठूँ, उसके थ्रोन में जाके बैठूँ. नाउ हियर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट आस्तार. एज फार एज आई अंडरस्टैंड, आस्तार रक्षक है. रक्षक मतलब समथिंग लाइक बॉडी गार्ड. यू कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स लेटर, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज रक्षक मीन्स बॉडी गार्ड. ही इज़ नॉट एन एडवाइजर, ही इज़ नॉट द चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर टू द डिक्टेटर कि वो अपना सलाह दे. आई डोंट थिंक सो. बट आस्तार बींग आस्तार, हु ऑलवेज लाइक्स यू नो, ही गेट्स इन टू दिस नेगेटिव कैरेक्टर ड्यूरिंग द टास्क एंड ही टेक्स इट सो वेरी सीरियसली दैट ही टर्न्स कम्प्लीटली नेगेटिव. तो यू नो नंद किशोर एक्चुअली डिंट हैव द ब्रेन्स टू से एनीथिंग एंड प्रोबेबली ही वॉज जस्ट पॉन्डरिंग की क्या जवाब दे. कि तब जा आस्ताद उसको जाके बोलते कि वो तो शहनशाह की बात कर रही है, लेकिन आप तो शहनशाह नहीं हो, आप तो डिक्टेटर हो, हुकुमशाह हो. यू आर नॉट अ शहनशाह, यू आर नॉट एन एम्परर, यू आर अ डिक्टेटर. तो ये विश तो फुलफिल नहीं कर सकते. तब नंद किशोर को बोला हाँ मैं नहीं कर सकता. उसके बाद बोले कि आई हैव नेवर डन प्लेड द रोल ऑफ अ डेड पर्सन इन एनी ऑफ माई फिल्म, सो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई डूइंग दैट अगेन. शी इज टेलिंग शी इज नेवर डन दिस रोल. शी नेवर सेज शी इज नेवर डाइड बिफोर.
अगेन आस्ता, सो इफ यू वॉन्ट टू डू दैट दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप ब्रीथिंग. मतलब आस्ता कहना क्या चाहते हैं, वो इनको सबको सच्ची मरता हुआ देखना चाहते. ही रियली वॉन्ट्स मेघा टू बी डेड. आप पूछो आस्ता के डैडी से कि अपना बेटा अपने भाषा के बलबूते पर क्या बोल रहा है, क्या जो भी को बोल रहा है क्या वो सही है. एनीवे कमिंग बैक, तो वो भी फुलफिल नहीं हो पाया. सही मला डास खाए थे. इट टुक अ वाइल फॉर अदर्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग. सम ऑफ देम टॉक शी चले डास खाए थे. वॉट डज शी मीन? इसे ना डास खाए, इकड़े खूब डास ऐसा होता है, मला डास खाए थे. दोज वर द थिंग्स दैट आर लुकिंग अरे मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग. इरिटेट इरिटेट द डिक्टेटर, दैट इज वॉट. सो दैट इज वॉट दीज टू हैड स्टार्टेड. बाकी सब लोगों का तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है. लेट्स कम टू पुष्कर. ओके, वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग अबाउट पुष्कर टूडे. पुष्कर फ्रॉम द टाइम हिज वाइफ हैज़ विजिटेड ही इज़ कम्प्लीटली चेंज. ओके, ये चेंजेस काफ़ी बार पहले भी दिखे हैं. झलक आ रहा था कि पुष्कर की असलियत क्या है, वो क्या करता है एंड ऑल दैट. बट समहाउ मेघा और सई उसको बहुत कवर करते थे, बहुत प्रोटेक्ट करते थे, एंड समहाउ ही वुड रिमेन सबड्यूड. जब से उसकी वाइफ आके गई है एंड व्हेन शी सेड यू नो यू शुड नॉट प्ले विद देम इन एज अ टीम एंड यू शुड प्ले इंडिविजुअली, तुम्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड देम, यू आर ग्रेट, पीपल लव यू, यू शुड जस्ट प्ले इंडिविजुअली. पता नहीं इस आदमी के मंद बुद्धि में क्या घुस गया है, वो और मंद होता जा रहा है. ही इज़ बिकम कम्प्लीटली डम. और वो जो हरकतें कर रहा है कि जो उसकी अभी इतने दिन जो पॉपुलैरिटी थी थैंक्स टू सई एंड मेघा, सगळ्यांची वाट लावता है. तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक वॉट ही इज़ डूइंग बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड. उसे ऐसा लगता है कि इफ यू प्लेज द विक्टिम कार्ड, यू नो इफ ही इज सीन एज समबडी हु इज़ बींग टॉर्चर्ड, तो वो ये तो लोगों का सिंपति मिलेगा. पुष्कर, लोगों का सिंपति तब मिलेगा जब तुम्हें जेन्युइनली कोई टॉर्चर करे, जब जेन्युइनली यू आर बींग टॉर्चर्ड बाई समथिंग और समवन, व्हेन जेन्युइनली यू आर बींग पुट थ्रू समथिंग. बट इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वाइट इट ऑन योर सेल्फ, चलो मुझे ना फांसी पे लटकना है, मुझे देखना है कि कैसा है, नो बडी इज गोइंग टू फील सॉरी फॉर यू. मूर्ख माणूस. सो ही गोज देर, ही सेज मी कधी काही गुन्हा केला नाही म्हणून मला आय हॅव नॉट बीन पनिश्ड, सो आय वुड जस्ट लाईक टू गो अँड ट्राई दॅट आउट. सो दिस थिंग इज दिस ह्यूज बार, क्रुसिफिकेशन बार यू कॅन कॉल इट, वेअर यू यू नो यू कॅन जस्ट पुट युअर हँड्स थ्रू द दिस थिंग ॲज वेल एज युअर नेक इज दिस थिंग अँड द वुडन प्लँक इज क्लोज. सो इट्स ओनली युअर यू नो हँड अँड हेड इज आउटसाइड अँड द रेस्ट इज जस्ट ब्लॉक्ड बाय दॅट वुडन प्लँक. तो वो वहाँ जाके खड़ा होता है. ऑब्वियसली उसने खुद मांग के लिया है, बट दिस वॉज अ विश. ओके, अब बैल बुद्धि नंद किशोर, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था वेयर टू ड्रॉ द लाइन एज यूजल. तो ही जस्ट लेट दैट कंटिन्यू. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द अदर्स ऑल रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू फार. आधे घंटे के ऊपर हो गया है, दिस शुड एंड बिकॉज एनी बडी इज इन दैट पोजिशन बिकॉज यू आर जस्ट बेंडिंग दैट वे. वो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड. तो दे ऑल स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग, पुष्कर ऑल्सो स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग, लेकिन हुकुम शाह नहीं मान रहा था. एंड वेन मेघा और सई उसकी तरफ से बोलने लगे तो पुष्कर उल्टा उन पर ही बोल बरस पड़ रहा था. उनको ही बोल रहा था कि यू ऑल डोंट टॉक ऑन माई बिहाफ, आई विल डू माई टॉकिंग, आई नो हाउ टू डू इट, आई नो वॉट टू टेल, आई विल कन्विंस हिम, यू ऑल डोंट टॉक फॉर मी, मी टास्क करतो आहे, टास्क करतो आहे. अरे कसला टास्क करतो आहे मेल्या? आई इज रिअली गेटिंग, आई मीन ही इज बीइंग सो डम. आई एम श्युअर द नेक्स्ट टाइम ही गेट्स नॉमिनेटेड ही इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द हाउस. एंड देन आफ्टर ही गोज बैक ही इज गोइंग टू रिग्रेट. यही होने वाला है. जब तक वो मेघा सही का सुन के चल रहा है तब तक ही प्रोबेबली वुड हैव रीच इन द टॉप 5 शायद, बट अभी नहीं. तो ही इज स्टक ऑन दैट. सही और मेघा, मेघा तो एक्चुअली रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज मत करो. सही तो सीधा बोले आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम गोइंग टू फ्री हिम. तो आसाद आके बोलते हैं बलचा प्रयोग करो, करायचा नहीं बलचा प्रयोग कर. अरे क्या बोल रहे हो तुम, इसमें बल का प्रयोग कहाँ है? उसने खोला ये, आर यू डू यू रियली वॉन्ट टू पुट दैट डाउन सो हार्ड एंड फिजिकली इंजोर समवन?
आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और शर्मिष्ठा ने ये किया कि खुद को, एक तो ये हुकुम शाह का ये था कि ओके फादर्स आर गोइंग टू डू टेक सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट देन आई विल कंसिडर. तो शर्मिष्ठा सेज शी वुड लाइक्स टू बी हैंडकफ्ड. तो आस्था बोलते हैं हैंडकफ करके वो सोएगी बैठेगी नहीं चलेगा. मतलब आस्था तो कंप्लीट काउंसलर बन के खड़ा था, क्या बोलते हैं, चीफ एडवाइज़र टू हुकुम शाह. हर चीज़ वो ही उसको भड़का रहा था, बता रहा था कि ऐसे नहीं वैसे नहीं करके. तो अगेन उसको बोले, तो नंदकिशोर ने उसको हैंडकफ डाले और बोले यू विल हैव टू स्टैंड ओवर हियर ओनली, यू कैन स्लीप. उसके बाद इनको बोलता है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वो भी इन्होंने किया मेगा सही, बट स्टिल ही वॉज नॉट रेडी टू रिलीज पुष्कर. एंड पुष्कर वॉज रिपीटेडली टेलिंग, मतलब ये लोग ने दो बार उसको जाके रिलीज भी किया, बट वो खुद जाके वापस अपने गले में फंदा डाल के लिया. तब जाके बिग बॉस का अनाउंसमेंट हुआ कि नंदकिशोर यू कैन नॉट कंटिन्यू दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, इट कैन नॉट कंटिन्यू, सो यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट. एंड ये कहकर उस दिन ख़त्म हुआ. अब बाय दिस टाइम इट वॉज वेरी लेट इन द नाइट, शायद 2:30 बज गए होंगे. फिर इन्होंने दे हैड टू गो एंड यू नो कुक एंड हैव देयर डिनर एंड ऑल दैट. उस वक्त स्मिता का एटीट्यूड वॉज हॉरिबल. हाँ, बट कमिंग बैक टू दैट, जब ये चल रहा था व्हेन सई एंड मेघा वर ट्राइंग टू कन्विंस पुष्कर एंड दे वर ट्राइंग टू फ्री हिम एंड ही वॉज ऑब्जेक्टिंग, रेशम का होता था करू देना त्याला, तो कर तो है ना, तो कर तो है ना. मतलब रेशम को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, वो 4 दिन अच्छा खेलती है फिर 8 दिन और नेगेटिव हो जाती है. उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहता है, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे. तो किचन में जब ये हो रहा है, मेघा वॉज लिटिल ओवरवेल्म, शी वॉज इमोशनल, वो थोड़ा रोने लगी थी. नंदकिशोर थोड़ा आया, टास्क होता, लेकिन वो समझ गया कि और 2 मिनट खड़े होते तो मेघा शायद उठा के उसको उधर ही पटका देगी, वो चला गया. बट स्मिता का जो एटीट्यूड था, लाइक यू नो वॉट इज़ देयर टू बी सो इमोशनल अबाउट, इट वॉज ओनली अ टास्क, उसमें नथिंग नथिंग ग्रेट अबाउट इट. वो ये, अरे स्मिता तू उधर उसका दासी बन के खड़ी है, डूइंग नथिंग, जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर, ओके, रक्षक के नाम पे. इफ़ यू वर्क, इफ़ यू हैड टू डू ऑल दिस, इफ़ यू हैड टू गेट ऑल दिस पनिशमेंट, तब भी तुम यही बोलोगी कि टास्क. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज सेइंग, तुम्ही सगळ्या टास्क एन आवर काय काय केले ते आठवत नाही का? आय डोंट थिंक एनीबडी हॅज गॉन टू दिस लेवल इन एनी टास्क, इन एनी फॉर्म ऑफ टॉर्चर. दिस फॉर्म ऑफ टॉर्चर वॉज नॉट डन टू एनी वन, वेयर इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, बट टॉर्चर टू एन इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. काफ़ी कुछ एडिट हुआ है बिग बॉस टीम के तरफ से, थैंकफुली, क्योंकि जो कुछ ये टास्क में हुआ है उस घर में, इट इज़ नॉट वर्थ शोइंग. अगर वो सब आज टेलीकास्ट होता था तो शायद महाराष्ट्र में तो पूरा दंगे होने के चांसेस थे. बहुत गंदे गंदे टास्क हुए हैं. द काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट नंदकिशोर वॉज गिविंग, दैट वॉज ऑल एडिटेड थैंकफुली. बट रेफरेंसेस हैं वूट में, इसके लिए पता है कि क्या हुआ है, बट इट वॉज रियली वेरी बैड. पुष्कर का वही था, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ. मेगा वॉज रियली अपसेट एंड शी सेज कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कोच भी हो टास्क के लिए भी, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टॉलरेट दैट. सई ऑल्सो नेक्स्ट डे गोज एंड टेल्स इन द कैमरा कि जो कुछ हुआ वो गलत, इट्स ओके, आई डिडंट ओबे दी ऑर्डर्स, शायद टास्क के रूल्स के खिलाफ में गई. बट पुष्कर के जगह पे कोई भी होता, वेदर इट इज स्मिता और रेशम और इवन राजेश, आई वुड हैव डन द सेम थिंग, आई वुड हैव फेल्ट बैड इवन फॉर देम एंड आई वुड हैव गॉन एंड डन द सेम थिंग. सो इट्स नॉट अबाउट पुष्कर. और अगर नेक्स्ट डे यही कंटिन्यू होगा देन शी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट, वो नहीं टॉलरेट करेगी. शी वेंट एंड टोल्ड टू द कैमरा. दूसरे दिन टास्क शुरू होता है, अगेन पीपल आर नॉट रेडी, मेगा इज़ नॉट फुल्ली ड्रेस, रेशम तो उसके टीम के 2 जन तो ऑलरेडी उधर ही है, नंदकिशोर के रक्षक बन के हैं. और हमेशा की तरह ना, पहले के टास्क में कैसे होता था, रेशम टीम वर्सेस मेगा टीम, और उनका जो पिल्लू इधर ए टीम से खेलता था अस्ताद, वो हमेशा मेगा के टीम में रह के रेशम टीम के लिए खेलता था. इधर भी वो ही हो रहा है, रेशम है यहाँ प्रजा में लेकिन वो उनके तरफ से ही है, क्योंकि उसे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है ना. शी इज़ नॉट मेड टू डू एनी थिंग, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल,
सो ऑब्वियसली तो दोबारा वही पनिशमेंट, मेगा हैड टू वॉश एवरीवन्स डर्टी क्लोथ्स, सो दे ऑल डिसाइड कि एक एक कपड़ा ही देंगे। रेशम अपना पूरा बंडल निकालती है, तो सही उसको बोलते हैं कि एक एक ही कपड़ा देंगे। तो इसका ये था, मी टास्क करते, बहुत टास्क खेल लिया तुमने, टास्क करना, टास्क में ये लिखा है दैट यू हैव टू गिव 15 कपड़े एक साथ देना चाहिए, ऐसा तो नहीं था ना। सो यहाँ पे अगेन वंस अगेन जो रेशम का आस्ताद और स्मिता, उनका जो मेघा के टीम मेंबर्स के बारे में जो नेगेटिविटी है वो साफ साफ दिख रही है। दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट, दिस होल थिंग इज बॉइलिंग डाउन टू पर्सनल वेंडेटा और कुछ नहीं। ये टास्क रहा ही नहीं, ये काफ़ी पर्सनल चला गया है। इट्स वेरी क्लियर द वे आस्ताद, स्मिता, रेशम हैव ऑल बीन रिएक्टिंग, इट्स प्योर पर्सनल वेंडेटा। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग और कंसोलिंग, वो लोग तो आग में तेल डालने का ही काम कर रहे हैं। वेरी बैड मिस्टर महेश मांजरेकर, कल आपने एक ट्वीट किया था, टुडे आई एम रियली अशेम एंड आई एम श्योर यू हैव गॉट एन ईयर फुल फॉर दैट। एवरी वन हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दैट, द रिस्पॉन्स दैट यू हैव गॉट इज इन हंड्रेड्स, बट माई ओनली थिंग रिक्वेस्ट टू यू इस वीकेंड पे आप फिर रेशम को अगर बचाएंगे, उसे कुछ नहीं बोलेंगे और सारा ब्लेम सिर्फ स्मिता, आस्ताद और नंदकिशोर पे डालेंगे, मैन यू विल लूज वॉट एवर लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव। यू हैव कवर्ड रेशम इनफ एंड इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट एडमोनिशिंग हर ऑल्सो। कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई थैंक्स टू मेगा, जो एज यूजुअल सही को मनोरंजन के लिए हुकुम शाह के कक्ष में डांस करना होता है, मेघा इज अ सिंगर। मेघा ऐसे चुन चुन के गाना गा रही थी ना, ऑसम, दैट्स व्हाट आई से ना, मेघा इज अ ट्रू विनर। अरे ट्रॉफी गया भाड़ में, मेघा हैज वन एवरीवन्स हार्ट, शी इज अ क्लियर विनर। और अगर ट्रॉफी नहीं मिले तो वी ऑल नो कि बिग बॉस तो वैसे भी बिका हुआ है। जो वो गाना गा रही थी, एक से बढ़कर एक, खुद को क्या समझता है, कितना अखड़ता है, एंड ऑफ कोर्स बसंती का अपना फेमस बसंती वाला गाना शोले का, मतलब बैक टू बैक शी वॉज सिंगिंग ऑल दैट ओनली। नंदकिशोर का चेहरा देखने लायक था, ऑफ कोर्स ही कुडन से एनीथिंग बिकॉज उसने कहा है गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, और वो कर रहे थे। बट मेघा शी वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट। टुवर्ड्स द एंड बिग बॉस बुला के वो चिट्ठी देते हैं विच वी वर एक्सपेक्टिंग, कि वेयर यू नो द प्रजा हैज़ टू रिवोल्ट एंड एंड दिस हुकुमशाही, सो टुमारो विल बी इंटरेस्टिंग। उन्हें बताया गया कि क्या क्या करना चाहिए और मुझे पता है कि मेघा और सई पूरे दिल से करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।